कुशावन सिटी जिले के खेवसर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से रेवतराम डांगा पर ही दाव खेला है, जबकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी यह भी तय नहीं हुआ कि कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि नागौर जिले के सांसद रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के सामने टिकट वितरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि वे अपने भाई या पत्नी में से किसी को टिकट देते हैं या फिर किसी तीसरे को मौका मिलेगा। इन दोनों सवालों का खुलासा जल्द ही हो जाएगा। इधर खेवसर में विधानसभा उपचुनाव के लिए 268 मतदान केंद्रों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जाँच 28 अक्टूबर तथा नाम वापसी की तारीख 30 अक्टूबर होगी। मतगणना 23 नवम्बर को होगी। रेवतराम डांगा को लगातार दूसरी बार टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव 2023 में उनके प्रदर्शन को माना जा रहा है। डांगा ने बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर रहे थे। बेनीवाल कड़े मुकाबले में महज 2059 वोटों से ही जीत पाए थे। डांगा ने 77,433 मत हासिल किए, जबकि रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने 79,492 मत हासिल किए। डांगा किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला है। उनकी पत्नी गीता देवी वर्तमान में मूड़वा पंचायत समिति की प्रधान है। डांगा परिवार के सदस्यों में से लगातार 30 सालों तक मुदियाड़ गांव पंचायत सरपंच पद पर रहा है। डांगा को टिकट मिलने के बाद खेवसर में कोई बगावत का सुर भी सामने नहीं आया। भाजपा इस बार भी चुनावी मुकाबले का एकजुट होकर सामना करने को तैयार हैं। खेवसर सीट पर 16 साल से बेनीवाल का कब्जा। रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने 2008 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। 2013 में खेवसर से निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरी बार जीत दर्ज की। वहीं 2018 में बेनीवाल ने खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और जीते, जबकि 2019 में उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन में सीट जीती। 2023 में हनुमान बेनीवाल ने खेवसर से विधानसभा का खुद चुनाव लड़ा और जीते। इस जीत से हनुमान बेनीवाल चौथी बार विधानसभा में गए थे। गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस भी उतारेगी मैदान में। यदि कांग्रेस रालोपा का गठबंधन नहीं हुआ तो कई लोग कांग्रेस के टिकट की कतार में। हालांकि अभी तय नहीं हुआ कि कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन होगा या नहीं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं रहने पर उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के संयोजक व सहसंयोजक के साथ अन्य पदाधिकारियों भी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी संजीत राव ने पी बैटर लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोले इसके सामने आया कि यहाँ से कांग्रेस का टिकट मांगने वालों की संख्या करीब आधा दर्जन है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे।